हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निशा, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ में अपना ये फुल डे शेयर कर रही हूँ विदाउट माय हब्बी। कैसे जाता है मेरा और मेरे बेटे का दिन जब हम मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं। तो बस यही शेयर करूँगी आज मैं आपके साथ में। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने बाथ ले लिया है एंड मेरा सन अभी स्लीप ले रहा है। एंड अभी क्लीनिंग वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिया है। मॉर्निंग टाइम में अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया था जब वो गए थे, तो वही सब काम था करने के लिए, क्लीनिंग एंड ब्रेकफास्ट। अभी मैं 10 after 11 o'clock डेली लंच रेडी करती हूँ, क्योंकि लंच के लिए आते हैं मेरे हस्बैंड, तो आज वो है नहीं है, तो आज शायद ये भी नहीं होगा, ये भी स्किप हो जाएगा। तो देखिए आज मेरे साथ में कैसा जाता है मेरा आज का फुल डे। एंड काफ़ी बैड होता है अगर वो कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फीलिंग अच्छी नहीं होती है क्योंकि कुछ काम ही नहीं दिखता है घर में करने के लिए जब वो चले जाते हैं। ना डिनर ना लंच जब वो होते हैं तभी प्रिपेयर करती हूँ, वरना अदरवाइज मैं कुछ ऐसे ही नॉर्मली कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ खाने में। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है। अभी मैं जा रही हूँ, मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आज सूजी का चीला, आई मीन रवा उत्तपम बनाया था, वेज चीला। तो वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्रिपेयर किया था, मैं अपने लिए प्रिपेयर करने जा रही हूँ। वीडियो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, वेज उत्तपम बनाऊँगी एंड अपने सन को थोड़ा जगाऊँगी। उसके बाद में अभी वो सो रहा है, मैंने यहाँ बेड पर सो रहा था, यहाँ से उसे जगाया तो वो उधर सोफे पर जाके सो गया उस रूम में। तो मैं अभी जाती हूँ किचन में, तो आइए चलिए चलते हैं साथ में। बन के रेडी हो चुका है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा बना है। एंड मैं उसे टैमरिंड की खट्टी मीठी चटनी के साथ खाऊंगी। सो अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे टैमरिंड की खट्टी मीठी चटनी वाली रेसिपी। ये देखिए भाई साहब जी अभी सो रहे हैं अभी मैं जगाती हूँ। भाई साहब जी अभी पी रहे हैं मिल्क हो गया है इनका ब्रेकअप। तो अभी थोड़ी देर बस ऐसे ही टाइम पास करेंगे, टीवी चला रखा है, टीवी देख रहे हैं। एंड बाद में इसे बॉथ कराऊंगी मैं दिशान को, अभी तो ये थोड़ा जगह है तो इतनी जल्दी नहीं कराती हूँ, 1 या 2 आवर बाद ही मैं इसे बॉथ कराने ले जाती हूँ जगने के। मैं से बात करा भी, चलो हाय करो, हाय बोलो, हाय एवरीवन, आई एम दिशान। बिकॉज मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोल दिया ना कि 2 आवर्स बाद मैं इसे नहाई नहाई कराऊंगी मैं, तो नहीं वो अब वेट नहीं कर सकते, उन्होंने सुन लिया तो वो आ चुके हैं बाथरूम में नहाई नहाई के लिए। चलो
वी ऑल फॉल डाउन। सुना अच्छा वो ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ दिशु जल्दी से सुनाओ, जल्दी ट्विंकल सुनाओ बोलो। नहीं चाहिए, जल्दी सुनाओ दिशु। ओह माय गॉड टूट गई। यस दिशु ने तोड़ दिया। मैंने दिशान को बहुत करा दिया है एंड उसे कुछ नट्स दे दिए हैं खाने के लिए। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन चलाया, मैं अपने हेयर पे अभी मेहंदी लगाऊंगी इसलिए मैंने फ़ोन चलाया है। एंड अभी हो रहा है 11:15 यहाँ का, इंडिया में तो 12:15 बजने वाला होगा, तो ये देख सकते हैं आप अभी यहाँ 11:15 बज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ग्लव्स पहन लिए हैं हिना लगाने के लिए हेयर्स पे। मैंने कल ही हेयर को वॉश कर लिया था अच्छे से एंड अभी मैं हिना अप्लाई करूँगी। वॉश करने के बाद में मैंने ऑयल या सीरम वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया था, सिर्फ ड्राई कर लिया था। एंड अभी मैं यहाँ पे मेहंदी जो मैंने गोल के रखा है वो लगाऊंगी अपने हेयर्स पे। तो आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है जो लोग मेहंदी लगाते हैं अपने हेयर्स पे। मेरे हेयर्स वाइट वगैरह नहीं है, ओनली मैं कंडीशनर के लिए ये अप्लाई करती हूँ, इससे थोड़ी शाइनिंग आ जाती है हेयर पे, मुझे अच्छा लगता है इसे यूज करना। तो अगर जो लोग यूज करते हैं या फिर जो नहीं करते हैं उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, जो यूज करते हैं तो वो देख सकते हैं खुद अपने आप से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं हिना को। बिकॉज आज मुझे लंच प्रिपेयर भी नहीं करना है तो इसलिए मैंने रात में ही मेहंदी को गला के रख दिया था जिससे कि मैं आज इसे लगा पाऊँ, क्योंकि आज मुझे पता थी कल हबी मेरे जाएंगे आउटसाइड तो फिर इतना काम नहीं होगा करने के लिए, तो मैं अप्लाई कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। आफ्टर 15 डेज या फिर कभी 20 भी हो जाता है, 1 मंथ भी हो जाता है, मैं ऑलवेज अप्लाई करती रहती हूँ जैसे कि थोड़ा हेयर्स शाइनिंग रहती है हेयर्स पे। तो बस अभी मैं शुरू करती हूँ। Thank you.
जो लगाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उस टाइम पे 11:30 हो रहे थे, अभी 12 बज रहे हैं। 11:15 बजे मैंने शुरू किया था एंड 12 बज रहे हैं। आधे घंटे में मोस्टली कंप्लीट हो ही जाती है। एंड मैंने वॉशरूम भी क्लीन किया है पूरा, तो इसलिए 10 मिनट्स मुझे उसमें भी लगे होंगे। तो वह सब मिला के पूरे आप देख सकते हैं अभी 12 बजने में, ये 12:05 हो चुके हैं। तो इतना टाइम लगा है मुझे यह सब करने में। एंड अब मैं जाऊंगी किचन में। दीसू के लिए मुझे एप्पल राइस बनने रखने हैं। दीसू एप्पल राइस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अभी उनके लिए एप्पल राइस बनाऊंगी। एंड खुद मैं जो कल राइस बनाए थे मैंने वही खाऊंगी। मैंने आपको बताया कि रात में बनाए थे मैंने, वो रखे हैं तो वही खा लूँगी। मैं अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाऊँगी, निशान के लिए बट एप्पल राइस बना रखूँगी। एंड अभी मैं आई हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे मुझे कपड़े हैं वॉश करने के लिए पड़े हुए हैं, तो वो वॉश करने हैं। उसके लिए मैं कुछ फैब्रिक एंड सर्फ डाल देती हूँ। जस्ट मैंने दिशान को सुलाया है, अभी सोया है वो। एंड अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम में, मेहंदी क्लीन करके आऊँगी, वो हेयर वॉश करके आना है। काफ़ी टाइम हो गया आज मुझे मेहंदी लगाई, इतना टाइम नहीं रखती हूँ मैं, ओनली 2 आवर्स के लिए ही। 2 आवर्स बाद मैं वॉश कर लेती हूँ हेयर को, बट
बट आज थोड़ा लेट हो गया है, इंतजान को पूरा 1 घंटा लगा है उसे सुलाने में, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया है। तो बस मैं जाती हूँ अभी, हेयर वॉश करके आती हूँ, एंड आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए बाबूजी अभी सो रहे हैं, जब तक ये सोते हैं तब तक मैं जाती हूँ हेयर वॉश करने के लिए। नाउ 4 o'clock, बस अभी मैं अपने हेयर वॉश करके ही आई हूँ वॉशरूम से। तो अभी मैंने टॉवल लगाया हुआ है हेयर्स पे, तो अभी दिसान सो रहा है, एंड जब मैं वॉशरूम से आई थी तो 4:20 हो रहे थे, अभी 4:25 हो रहे हैं। तो बस अभी कुछ नहीं करूँगी, थोड़ी देर दिसान के साथ मैं रेस्ट करूँगी, एंड फिर जगने के बाद मैं टी बना के टी पीऊँगी, जैसे कि अभी इवनिंग में मैंने हेयर वॉश किया है जिससे कि मुझे ठंड ना लगे, इसलिए टी पीऊँगी मैं। तो बस अभी यही चल रहा है मेरे रूटीन में। हम लोग सोए नहीं हैं, निशान नहीं सोया, वो जग गया था, जैसे ही मैं सोने के लिए गई उसका जगना हो गया तो नहीं सोए। अभी हम इधर एसी वाले रूम में आ गए हैं, टीवी देख रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं। दिसु मम्मा, अभी यही सब चल रहा है, अभी मैं जाऊंगी टी बनाने के लिए, अभी उसको ट्रक बना दूं। हमारे पराठे बन के तैयार हैं, अब जा रहे हैं हम खाने के लिए। चलिए तो चलते हैं, लेट्स गो। आ जाओ दीशु पराठा खाने।
में थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पे ही ट्राई करती हूँ क्लोथ्स को, क्योंकि ये जो जाली लगी हुई है इसमें से बाहर से एयर आती है जिससे कि जल्दी से ड्राई हो जाते हैं क्लोथ्स। तो मैंने डिश वॉश कर लिया है एंड क्लोथ्स भी डाल दिए हैं ड्राई होने के लिए। एंड ये आए चुन्नू महाराज जी, इसने भी खा लिया था मेरे साथ में आलू का पराठा। अभी ले गया आई हूँ मैं, थोड़ा सा एप्पल राइस है ये खिलाऊंगी अगर खाएगा तो दिशान, एंड फिर उसके बाद में टाइम पास करेंगे हम लोग साथ में दिशान और मैं। अभी 10:10 हो रहे हैं तो देखती हूँ सो जाएगा तो सुला दूंगी, नहीं तो फिर 12 ही बजे तक ही सोएगा ये, तो फिर तभी सोएंगे हम लोग। हो जाएगा तो फिर मैं भी सो जाऊंगी नाइट टाइम में। बस यही था मेरा आज का फुल रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ खास नहीं है इस रूटीन में, जो डेली होता है वो नहीं है सब कुछ, क्योंकि विदाउट माई हस्बैंड है ये ब्लॉग, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ अपने लिए भी प्रिपेयर नहीं करती हूँ। बट शाम को मुझे भूख लग रही थी तो आज मैंने आलू पराठा बनाया था, एंड वो भी मैंने इसमें शेयर किया है, जिन लोगों को नहीं आता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ये वीडियो, इसके जरिए वो लोग सीख पाएंगे आलू पराठा बनाना। सो प्लीज आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप नहीं जानते आपका एक सब्सक्राइब कितने मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि जब तक कोई वीडियो देखने वाला नहीं होता तब तक बनाने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, दिशु फ्लाइंग किसी करो, जल्दी करो। अच्छा, गुड नाइट कर दो सबको जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो गुड नाइट, फिंगर निकालो माउथ से, डोंट इन साइड फिंगर बाबू, जल्दी बोलो बोलो गुड नाइट, बाय करो। अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय ऑल ऑफ यू, ऐसे किसी का दो, ऐसे फ्लाइंग किसी दे दो। ओके 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 फ्लाइंग किसी, ओके बाय बाय, गुड नाइट।